आइए एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। 12 सेंटीमीटर डायमीटर और 15 सेंटीमीटर हाइट वाले एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के शेप का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को 12 सेंटीमीटर हाइट और 6 सेंटीमीटर डायमीटर वाले कोन में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा हेमिस्फेरिकल होगा। हमें उन कोनों की संख्या निकालनी है जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं, यानी हमें नंबर ऑफ कोन्स निकालने हैं। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन टू इज इक्वल टू, डायमीटर दिया हुआ है राइट सर्कुलर सिलेंडर का 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 12 अपॉन टू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और इसे हम R1 मान लेते हैं हाइट, या फिर इसे हम लेंथ भी कह सकते हैं, ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू, क्वेश्चन में हाइट दी हुई है सर्कुलर सिलेंडर की 15 सेंटीमीटर, और इसे हम H1 मान लेते हैं। रेडियस ऑफ अपर सर्कुलर पार्ट ऑफ कोन इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन टू इज इक्वल टू, डायमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, और इसे हम R2 मान लेते हैं। कोन के अपर सर्कुलर पार्ट का रेडियस 3 सेंटीमीटर निकला है और उसे हमने R2 माना है। अब हम कोन का हाइट लिखेंगे। कोन की हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और इसे हम H2 मान लेते हैं। लेट n नंबर्स ऑफ आइसक्रीम कोन्स कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम ऑफ द कंटेनर, हेंस वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द सिलेंडर इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फीयर। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि उन कोनों की संख्या निकालिए जो इन आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं, यानी कि पहले एक राइट सर्कुलर सिलेंडर था जो कि आइसक्रीम से भरा हुआ था। अब उसकी आइसक्रीम को हमें 12 सेंटीमीटर हाइट और 6 सेंटीमीटर डायमीटर वाले कोन में भरना है, तो हमें कोनों की संख्या निकालनी थी। तो हमने कोनों की संख्या को एन मान लिया है कि एन कोन कंटेनर के आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं, तो सिलेंडर में जितना आइसक्रीम का वॉल्यूम था उतना ही इक्वल होगा n यानी नंबर्स ऑफ कोन इनटू एक कोन का वॉल्यूम प्लस उसके ऊपरी सिरे में लगे हुए हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो कि उसके ऊपरी सिरे में लगा हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द सिलेंडर होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है पाई R1² × H1² R1 और H1 इसकी रेडियस और हाइट थी, इज इक्वल टू एन इंटू ब्रैकेट वॉल्यूम ऑफ वन कोन यानी 1/3 पाई R2² × H2 प्लस 2/3 पाई R2³। 2/3 पाई R2³ वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फीयर है और 1/3 पाई R2² H2 वॉल्यूम ऑफ वन कोन है, जहां पे R2 और H2 कोन की रेडियस और हाइट है और R2 हेमिस्फीयर की रेडियस है, क्योंकि जो अपर पार्ट होगा कोन का सेम वही अपर पार्ट हेमिस्फीयर का भी होगा, इसलिए दोनों का रेडियस सेम ही होगा। पाई इंटू R1² यानी कि 6² × H1 15 इज इक्वल टू n इंटू 1/3 पाई कॉमन आ रहा है, तो 1/3 पाई कॉमन ले लिया हमने इंटू R2² यानी 3² इंटू H2 12 था, 12 प्लस 2 इंटू 3³ दैट इज पाई इंटू 36 × 15 इज इक्वल टू n इंटू 1/3 पाई 3² यानी 9 × 12 108 प्लस 3³ यानी 27 × 2 54। पाई पाई कैंसिल हो गए हैं, दैट इज 3 अदर साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 36 × 15 × 3 45 इज इक्वल टू n इंटू
108 plus 54, 162. That is 36 into 45, 1620 upon 162 is equal to n. That is n is equal to 10. Hence, number of cones is equal to 10.